नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालयी टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, हमारा पड़ोसी राष्ट्र भारत में पिछले 19 तारीख से निर्वाचन हो रहा है और निर्वाचन में वहां की विभिन्न पार्टियां मैदान में कूदी हैं और देखा जा रहा है कि मोदी साहब जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री है वो भारी बहुमत के साथ फिर से भारत में आ रहे हैं। तो जैसे जैसे मोदी जी की प्रख्याति बढ़ रही है, हमारे देश नेपाल में भी कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं और खास करके हम ये देखें तो नेपाली मीडिया पर तो एक प्रकार से ऐसा छाया हुआ है कि कुछ पत्रिका तो लगता है कि मोदी को हराने ही में लगे हुए हैं, यानी कि उसको ये चीज़ का घमंड है कि हम अपनी पत्रिका में अगर मोदी खिलाफ लिखें तो भारत के चुनाव को प्रभावित कर देंगे। इस तरह का एक भ्रम में जी रहे हैं। मैं ज़्यादा पत्रिका की बात नहीं करूँगा, लेकिन नेपाल की कुछ प्रमुख पत्रिका है जैसे कांतिपुर है, नया पत्रिका है, ये सब लीजिएगा, हिमाल मीडिया है, वो कनकमणि दीक्षित जी है उसके मुख्य, ये लोग तो मोदी जी को देखना ही नहीं चाहते। वैसे कांतिपुर का संवाददाता तराई वासी है और वो दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली से न्यूज आ रहा है, उसका न्यूज दोनों का कंपैरिजन करता है, लेकिन इस तरह बायस्ड रहता है कि जो मोदी के खिलाफ ज्यादा है उसको उसमें प्राथमिकता दी जाती है। और वैसे ही नया पत्रिका का एक दो अंक मेरे सामने है, हम उसको रख रहे हैं आपको, कि मोदी के बारे में किस तरह वो यह प्रचार कर रहा है। आ चाहे ये क्या समझता है कि भाई हम अगर यहाँ लिखेंगे तो मोदी साहब की हार हो जाएगी। दरअसल है कि उनके सीट में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन और मोदी साहब की पॉपुलैरिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। पत्रिका में निकलता है कि लोग जब जमा होते हैं तो जमा होकर हमारे हिमालय में भी सब आकर दिखाने लगता है, देखिए ना ये कह रहा है कि मोदी साहब के खिलाफ लिख रहा है, यानी कि आखिर ये लोग कर क्या रहा है। जो मैं कुछ दिन पहले की बात करूं तो नया पत्रिका जो है वह उसमें एक बहुत अच्छा स्टोरी दिया गया है कि यह स्टोरी है आपको, किना महत्वपूर्ण छह एस पटक को भारतीय चुनाव, और उसका जो दिया गया है नीचे कि सन 1970 को दशक में इंदिरा गांधी ले अधिनायक बाद लाई उनको पारिवारिक शासन प्रति को निष्ठा संग जोड़ी, अहिले नरेंद्र मोदी ले अधिनायक बाद लाई हिंदू बहुसंख्यक बाद को भक्ति संग जोड़ेगा छन। ये देखिए हिंदू विरोधी ग्रुप किस तरह यहाँ पर काम कर रहा है, वह इसलिए अभी से नेपाली जनता को भड़काने और उसको दिमाग में ये रखने की कोशिश हो रही है कि अगर मोदी आ गए तो नेपाल में और धर्म वालों को हटा दिया जाएगा, उस पर प्रहार किया जाएगा और वो केवल हिंदू ही करेगा। इसको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि नेपाल हिंदू राष्ट्र था, यहाँ से हिंदू राष्ट्र को जबरदस्ती छीन लिया गया है। अगर हिंदू होता है तो हिंदू राष्ट्र बनता है नेपाल, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए यह पत्रिका नया पत्रिका में बजाबते जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी का फोटो रखकर पुरानी कहानी दिखाया गया है, किस तरह इंदिरा गांधी तानाशाही की थी और उससे नरेंद्र मोदी जी को जोड़ा जा रहा है। अब इसने अपना आर्टिकल छापने के बजाय क्या करता है कि अधिकांश पत्रिका जो भारत में मोदी विरोधी लोग
जो लिखते हैं उस आर्टिकल को नेपाली में ट्रांसलेट करके यहाँ पर रखा जाता है। अब जैसे रामचंद्र गुहा जी को यहाँ प्राथमिकता दिया गया है, एक कहा जाता है गुहा भारतीय इतिहासकार वातावरणविद सार्वजनिक बौद्धिक मानिंचन। अब उसी का आर्टिकल को इंग्लिश टेलीग्राफ से लेकर इसने रखा है और उसका विश्लेषण किया है जो गुहा क्या क्या कहते हैं। अब जैसे ये लग रहा है कि गुहा जो है सो आगामी चुनाव में मोदी जी को हरा देंगे और राहुल जी को ला देंगे। अधिकांश पत्रिका में राहुल गांधी का फोटो रख रख कर दिखाया जा रहा है कि अब ये नेता है भारत के। अब पहले मैं नया पत्रिका की ही बात करता हूँ, गुहा जी कांग्रेस की बात करते हैं, उसके बाद में इसमें आइए कुछ आगे इनकी पंक्ति मैं पढ़कर आपके समक्ष दिखा रहा हूँ कि इसने किस तरह मोदी साहब और वहाँ के चुनाव को लिया है। अब एक ठो नेपाली में कहा लिखा है हास्योन्मुख लोकतंत्र, यानी कि हास्यास्पद लोकतंत्र। अब कहा जाता है कि अब इसी में लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी सत्ता में रहे का पछिल्ला 10 वर्ष में धार्मिक अल्पसंख्यक तेसमा अपनी विशेषता भारतीय मुस्लिम समुदाय राजनीति को किनारा में धकेलिए का छन। लेकिन ये बताया नहीं है कि किस जगह ये समुदाय किनारा में धकेला गया है। क्या जो जिस राम मंदिर को एक समुदाय ने निकाल कर रामचंद्र भगवान को बाहर फेंक दिया था, और वो रामचंद्र भगवान को अगर उनकी मंदिर बन गई, उनका रहने का जगह बन गया, तो क्या मुस्लिम समुदाय को निकाल दिया गया? ये इसका विश्लेषण है। इस तरह यहाँ के लोगों को भड़काया जा रहा है। इसने आगे लिखा है कि नेता का 30 संदेश समर्थक व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए जो है सो प्रसारित किया जा रहा है, ये मुस्लिम विरोधी काम वहाँ पर किया जा रहा है भारत में। नागरिक प्रति शत्रुता फैलाने गरी पाठ पुस्तक पुनर्लेखन गरी न थाले का छन, यानी कि मोदी जी जब से आए हैं तो पाठ पुस्तक सब बदल के और हिंदू वाला पाठ्यक्रम लाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी र भाजपा ले तेसरो कार्यकाल में सत्ता में विजयी भय में मुस्लिम प्रति घृणा जारी रहने छ। अब इस तरह की बात इस पत्रिका में लिखी गई है कि अगर नरेंद्र मोदी जीत कर आ जाएंगे तो मुस्लिम के प्रति बहुत ही घृणा फैलाई जाएगी। अब इससे नेपाल के मुस्लिम में भी ये फूट डालने का कोशिश किया जा रहा है। अब बहुत जगह अब इसका इनका गुहा जी का हो और चाहे नया पत्रिका का भी हो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय IIT और IIM ये सब को हिंदू का प्रचार के रूप में परिणित कर दिया गया है और ये सभी यूनिवर्सिटी हिंदू का प्रचार कर रहे हैं अभी मोदी जी के शासन में, और ये आरोप लगाकर बताया जा रहा है कि ये मोदी अगर आ गए तो ये ठीक से चलने वाला नहीं। अब मैं दूसरी पत्रिका यहाँ इसका कांतिपुर का मैं बता रहा हूँ, कांतिपुर में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मोदी के साथ ये राहुल गांधी का फोटो प्रचार किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। भारत माँ चुनावी तापक्रम उच्च, मोदी को लक्ष्य 400 पार, इतना तो लिखा है ये, और कांग्रेस को भय और को हार ये भी लिखा है। अब इस इनका कहना है कि विपक्षी गठबंधन ले मोदी तेसरो पटक चुनिए, मुलुक में लोकतंत्र न बाचने भंदे लोकतंत्र बचाओ लाई प्रमुख चुनावी नारा का रूप में अगाड़ी सारे को छ। अब ये कांतिपुर में पूरा दिया गया है कि विपक्षी गठबंधन किस तरह बढ़ रहा है और मोदी के शासन से आक्रांत होकर वह अपना गठबंधन बना लिया है और वो 28 दल का गठबंधन, हालांकि ये स्वीकार किया है कि कोई भी एक नेता पर राजी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जगह जगह पर राहुल जी को बढ़ाकर लिखा है और राहुल जी के बारे में दिया है कि ये एक सशक्त नेता के रूप में उभर रहे हैं। और इसमें
दो विश्लेषक का भी छापा गया है, एक रसीद किदवई राजनीतिक विश्लेषक दिया गया है और एक चंद्रभूषण पत्रकार तथा विश्लेषक। रसिक किदवई जी का कहना है, चुनाव अभी नहीं परिणाम अपनो पक्ष मार रहे को माहौल भाजपा ले बनाए को छ, तर पुरानो जीत लाई सुरक्षित राख दे र नया सीट बढ़ाए र 400 पार करना कठिन छ। ये इतना ये स्वीकार किए हैं कि चुनाव से पहले 400 सीट आने का वातावरण भारत में बन गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये कठिन है। अब हो सकता है कठिन हो सकता है, लेकिन 400 पार का जो 407 तक जाने का लक्ष्य लिया गया है वह मामूली बात नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इनको भाषा को, अब जैसे इसका जो दिल्ली ब्यूरो है राजेश मिश्र, ये लग रहा है कि ये हिंदी को उतना देखना नहीं चाहते हैं, तो एक भाषा का मुद्दा लिया है कि दक्षिण वालों जो है सो ये मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनाव के जरिए हिंदी का प्रचार कर रहे हैं। भाई हिंदी वहाँ की राष्ट्रभाषा है और हिंदी महात्मा गांधी द्वारा स्थापित की गई भाषा है। हिंदी भाषा विश्व की एक ऐसी भाषा है जिसमें कि जोड़ने की शक्ति है, इसमें तोड़ने की शक्ति नहीं है। अगर उस भाषा से ये प्रचार कर रहे हैं तो क्या गुनाह है इसमें, और इसको लेकर ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा को ये राहुल गांधी का आरोप लगा रहे हैं कि ये मैच फिक्सिंग। उसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ले विपक्षी लाई डराए र धमकाए र जल पठा जेल पठाए र गराउन खोजिए को चुनाव लाई मैच फिक्सिंग को संज्ञा दिए छन। अब ये मैच फिक्सिंग किस आधार पर राहुल गांधी दिए हैं, वो जो है सो ये कांतिपुर, और कांतिपुर लिखता है कि इनको तो 180 सीट भी पार करना मुश्किल होगा। और चूंकि ये बहुत चीज को जैसे ईवीएम विद्युतीय मतदान उपकरण चाहे और चीज को लेकर इन्होंने बताया है कि हम यहाँ पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है इस पर। अब एक आज का अगर हम देख रहे हैं नया पत्रिका ही, तो उसमें है, उसमें भी आज दिया गया है कि अब इस पर डराने धमकाने का आरोप लगाया जा रहा है ये मोदी साहब पर। तो मोदी साहब पर जब ये लगाया जा रहा है कि वो चुनाव डरा धमका कर जीतेंगे, और ये बात कह रहे हैं कौन, तो राहुल गांधी। तो जब राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं और उनको ये भय हो रहा है कि अब ये इनको मुश्किल होगा चुनाव में, तो अब एक प्रकार से मानसिक रूप से समझिए तो राहुल गांधी भी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। जो ये लोग लिखा है इसी की पत्रिका से अगर हम निकालते हैं तो उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी अब जो है बहुत ही उदास और थोड़ा विचलित दिख रहे हैं और इस तरह बात बोल रहे हैं। अब उन्होंने कहा है, इसी नया पत्रिका में आज छपा है, चुनावी निष्पक्षता माथी इंडिया गठबंधन को संशय, अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पनी विपक्षी माथी दमन संकट को बिंदु माप पुगे को। अब ये राहुल गांधी और उनका पूरा गठबंधन अब दो लेवल, तो दो दिन तो हो चुका चुनाव का, अब इनको लग रहा है कि नहीं अब ये चुनाव में गठबंधन चुनाव में ये कुछ अपना षड्यंत्र करेंगे और उसके बाद ये जीत जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये हताश प्रवृत्ति है भारतीय गठबंधन में और इंडिया गठबंधन जो कहा जा रहा है, और अपनी हार मान चुके हैं और इसलिए अब ये बात ये बार बार बोल रहे हैं। और बहुत, जबकि सर्वेक्षण देखा जाए कई सर्वेक्षण आ गया है जो भारी मत से
ये मोदी साहब जीत रहे हैं। मैंने कल बात किया पटना में, दिल्ली में, हर जगह से यही आ रहा है। कोई 400 कह रहा है, कोई 390 कह रहा है, कोई 380 कह रहा है। अगर एवरेज में भी मानकर लेते हैं तो 4 जो है सो अब कठिन नहीं है मोदी साहब के लिए। लेकिन ये विपक्षी गठबंधन उस पर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी अब बहुत षड्यंत्र कर सकते हैं। लेकिन हमने ये नेपाली पत्रिका में छपी है खबर, इस पर किया है। अब आइए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर नेपाली मीडिया कहाँ से गाइडेड है, आखिर वह कौन सी शक्ति है जो नेपाली मीडिया में इस तरह का समाचार छपवा रहा है, और वह भी इसकी अपनी समाचार कम है। भारत से ही जो मोदी के खिलाफ समाचार है उस समाचार को नेपाली में ट्रांसलेट करके इसमें रखा जा रहा है। तो अब देखा जा रहा है कि जितना भी हिंदू विरोधी शक्ति है वह अब देश विदेश से, वो नेपाल में भी और भारत में भी, उसे लग रहा है कि अगर मोदी आ जाएंगे तो नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। वो तो स्वाभाविक है, हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा है, तुमने हिंदू छीना है और वह हिंदू प्राप्त करेगा। ये अब कल क्या होगा वो कल देखा जाएगा। लेकिन यह सोचने की बात है और एक इन्वेस्टिगेशन की बात है कि यह कौन कौन शक्ति है जो इस तरह का मोदी विरोधी प्रचार नेपाल से करवा रहा है। नेपाल के मीडिया भी, भारत में बहुत नेपाली देखते हैं, उससे प्रभाव पाड़ने की कोशिश और नेपाल के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश हो रही है। ये बहुत ही गंभीर बात है और इस पर एक जांच होनी चाहिए, अभी भी होनी चाहिए। मित्रों, मैंने आपके समक्ष नेपाली मीडिया का बहुत कम अंश आज रखा, जबकि बहुत लोग यहाँ पर है, बहुत मीडिया है जिसमें कि इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। अभी मैं दूसरा एपिसोड में मैं फिर उसको रखूँगा। चुनाव भी अभी बाकी है, 4 जून तक है, और उसमें कई यहाँ पर तमाशा किए जाएंगे नेपाल में। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।